असम के सीएम हेमंत बिस्वा सरमा गुजरात इंतखाब में मसरूफ हैं, जबकि असम और मेघालय बॉर्डर पर पुलिस फायरिंग का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आज मेघालय कैबिनेट के नुमाइंदे वजीर दाखिला अमित शाह से मिलकर इस घटना की एनआईए या सीबीआई से जांच की मांग कर सकते हैं। फायरिंग में 6 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं असम सरकार ने हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की सदारत में एक जांच कमीशन तश्कील कर दिया है। देखिए तफसीली रिपोर्ट। असम मेघालय सरहद पर मंगल की सुबह पुलिस फायरिंग में 6 लोगों की मौत के बाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मरने वालों में असम का एक फॉरेस्ट गार्ड भी है। दरअसल पुलिस के मुताबिक सरहद से सटे जंगल में कुछ लोग ट्रक से तस्करी करके लकड़ी ले जा रहे थे। असम पुलिस और फॉरेस्ट महकमे के मुलाजिम ने जैसे ही उन्हें रोकने की कोशिश की तो कुछ लोग अचानक आए और धारदार हथियार से उन पर हमला बोल दिया। हमला रोकने के लिए पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। पुलिस ने हमलावरों पर काबू पाने के लिए कई राउंड फायरिंग की। मरने वालों में मेघालय के जयंती हिल्स जिले के 5 लोग शामिल हैं। फायरिंग के बाद मेघालय सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के हुक्म दिए हैं। मेघालय सरकार ने मरने वालों के अहले खाना के लिए 5-5 लाख रुपए की मुआवजा देने का भी ऐलान किया। इसके अलावा रियासत के 7 जिलों में 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। मेघालय के सीएम कोनराड सांगमा ने इल्जाम लगाया है कि असम पुलिस ने जानबूझकर गोलीबारी की है। The OC of Jiriking police station who was involved in this entire action has been suspended. The forest range protection officer who was also the officer who was in charge in this area and very much part of the incident has been suspended. मेघालय के सीएम ने हादसे पर अफसोस का इजहार किया है। गोलीबारी में कई लोग जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की एफआईआर मेघालय पुलिस ने दर्ज कर ली है। मेघालय कैबिनेट का एक वक्त इस वाक़े की सीबीआई या एनआईए जांच कराने की मांग को लेकर आज वजीर दाखिला से मुलाकात कर सकता है, जबकि असम के सीएम ने पूरे मामले की जाँच के लिए कमेटी तश्कील करने का हुक्म दिया है। हमने जुडिशियल इंक्वायरी भी ऑर्डर दे दिया है। We have referred the investigation to CBI. SP has been transferred. Local police and forest officer has been placed under suspension. मंगल की सुबह हुई फायरिंग में 6 लोगों की मौत की खबर जैसे ही सोशल मीडिया पर फैली, उसके बाद मेघालय के 7 जिलों में हिंसा शुरू हो गई। हालात बिगड़ते देख इंटरनेट बंद कर दिया गया। अगले 48 घंटे तक व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब बंद रहेंगे। इन जिलों में पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।